वहीं सीएम योगी के निर्देश, गृह विभाग के 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल के लिए तय किए गए लक्ष्य को समय से पूरा किया जाए। सीएम योगी ने देखा गृह विभाग का प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने इसके लिए तकनीक का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कहा है। कल देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई। गृह विभाग के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी प्लानिंग बताई है। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम न्यूनतम करने, अग्निशमन सेवाओं और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने, प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाने और प्रत्येक पुलिसकर्मी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़ा अपना प्लान बताया गया। सीएम योगी ने देखिए कानून व्यवस्था को लेकर निर्देशित भी किया है अधिकारियों को और गृह विभाग के साथ भी उनकी लगातार लंबी बैठक चली है और साफ तौर से कह दिया है कि सभी पर ध्यान देना होगा, काम बेहतर तरीके से करना यही एकमात्र फोकस होना चाहिए। इसी पर शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, जो बैठक हुई है गृह विभाग के साथ में योगी आदित्यनाथ की, हाईलाइट क्या रही बैठक की, वो जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए देर रात तक ये बैठक चली थी और हाल ही में जो मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने लक्ष्य बनाकर लाएं और प्रेजेंटेशन दिखाएं, तो उसी कड़ी में गृह विभाग ने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के जो लक्ष्य हैं उनको लेकर अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दिया, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने को जब बताई गई चीजें, जो उसकी प्लानिंग्स बताई गई वो ये रही कि गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अपराध पर जो प्रभावी नियंत्रण कैसे होगा, महिला बाल सुरक्षा का जो काम है वो कैसे होगा, इसके अलावा कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर जो प्लानिंग की गृह विभाग की वो बताई। बाद में जो यूपी 112 का रिस्पांस टाइम है उसको कैसे कम से कम किया जाए, इस पर खास तौर से देखिए चर्चा हुई ताकि अगर कोई मुसीबत में उसको तत्काल मदद मिल सके। अग्निशमन की जो सेवाएं हैं, यातायात व्यवस्था, इसको लेकर काफी चर्चा हुई क्योंकि ट्रैफिक जाम जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में है। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि 25 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब केंद्रीय मंत्रियों तक को इस ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था, कई सांसद जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल तक नहीं हो पाए थे, जिसके बाद में काफी हड़कंप भी मचा था। तो यातायात व्यवस्था जो है उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग है इसके ऊपर बात की गई, जो अग्निशमन की सेवाएं हैं उस पर बात हुई। एक बड़ी अहम चीज जो रही, एक प्लानिंग जो थी जो पेश की गई वो ये कि सभी पुलिसकर्मी जो है उनको आवासीय सुविधा किस तरह से दे दी जाए, तो मुख्यमंत्री ने इन चीजों को देखा और ये कहा है कि जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और इसके साथ ही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि इन चीजों को जल्द से जल्द पूरा तो किया ही जा सके लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी भी रहे, हर चीज की मॉनिटरिंग सरल हो सके कि अगर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा तो। कल देर रात तक देखिए बैठक चली, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी वहां पर मौजूद रहे, ADPLO मौजूद रहे, DGP मौजूद रहे, ADG रैंक के तमाम अफसर थे जो मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में मौजूद।